सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, लाल टमाटर, हरी खुशबूदार सब्जियाँ। मीरा गांव गांव घूम घूम कर सब्जियाँ बेचा करती थी। रोज गांव में घूमते वक्त उसकी नजर एक सब्जियों के बगीचे पे पड़ा करती थी। कितने वर्ष हो गए मैं ये सब्जियों का बगीचा देख ही रही हूँ। मीरा का सपना था कि वो उस बगीचे को खरीद ले और वहाँ खुद ही सब्जियाँ उगाए। लेकिन मीरा की परिस्थिति उसका साथ नहीं देती थी। मीरा का एक छोटा बेटा था जिसके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी मीरा पर थी, क्योंकि मीरा के पति कुछ साल पहले स्वर्ग से धार गए थे। एक दिन की बात है, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, लाल टमाटर, हरी खुशबूदार सब्जियाँ। तभी सामने से विमला घी वाली आई। अरे ओ मीरा, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल है? सब ठीक है। तुमने सुना कि वो सब्जियों के बगीचे का मालिक खरीदार ढूंढ रहा है? अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं आज ही वो बगीचा खरीद लेती। मीरा को वो सब्जियों का बगीचा इतना पसंद था कि वो सीधे बगीचे के मालिक के पास पहुंची। सेठ जी, सुना है आप बगीचा बेचना चाहते हैं? हाँ, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, बगीचे की देखभाल नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए बेच रहा हूँ। क्या तुम खरीदना चाहती हो? हाँ सेठ जी, पर पता नहीं मैं खरीद पाऊंगी या नहीं। आप इसे कितने में बेचना चाहते हैं? मुझे इसके 500 सिक्के चाहिए। अरे बाप रे, मेरे पास तो सिर्फ 200 सिक्के हैं। 200 सिक्के बहुत कम है, मैं 400 सिक्के के नीचे नहीं बेचूंगा। सेठ जी, अगर मैं आपको अभी ये 200 सिक्के दे दूं और अगले 4 महीने तक हर महीने 50-50 सिक्के दूं, तो क्या आप मुझे ये बगीचा बेच देंगे? सेठ जी ने सोचा। ठीक है, अगले 4 महीने तक तुम्हें मुझे 50-50 सिक्के देने होंगे। मीरा बहुत खुश थी कि जल्द ही उसे उसके सपनों का बगीचा मिलेगा। फिर क्या था, मीरा और ज्यादा मेहनत करने लगी। उसने रोज ज्यादा सब्जियां खरीदकर बेचना शुरू किया, जिससे उसे ज्यादा पैसे मिलने लगे। रोज मीरा पाई पाई जोड़ने लगी। अब शाम के समय मीरा गांव में घूम घूम कर फरसान भी बेचा करती थी। एक महीने बाद मीरा ने सेठ जी को 50 सिक्के दिए। मीरा बहुत खुश थी। मीरा ने अपनी मेहनत जारी रखी और वो सुबह सब्जियां और शाम में फरसान बेचा करती थी। देखते ही देखते मीरा ने अगले 4 महीने में सेठ जी को सारे पैसे दे दिए। बहुत बढ़िया मीरा, अब ये बागीचा तुम्हारा हुआ, इसका अच्छे से ख्याल रखना। मीरा ने अपना बगीचा खरीदने का सपना पूरा कर लिया। अब मीरा अपने खुद के बगीचे में सब्जियां उगाया करती थी और दूसरे सब्जी वाले उससे सब्जियां खरीदा करते थे। मीरा के परिश्रम ने उसकी जिंदगी बेहतर बनाई। उसका बेटा भी अब अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा और मीरा की जिंदगी सुखद हो गई। इसलिए कहते हैं, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। एक गांव में लीला नाम की एक दूध वाली थी। लीला के पास 2 गाय थी जिनसे वो रोज दूध इकट्ठा किया करती थी। दूध इकट्ठा करने के बाद
वो गांव-गांव जाकर दूध बेचा करती थी। लीला की एक सहेली थी मीना, जिसकी शादी गांव के एक बड़े व्यापारी से हुई थी। लीला जब भी उस गांव जाती तो वो अपनी सहेली के घर जरूर जाती गप्पे लड़ाने। एक दिन लीला अपनी सहेली से मिलने गई। मीना, मीना, आई लीला। क्या बात है, आज बहुत सज सवर के घूम रही हो? अरे, आज मेरे पति के कुछ मित्र हमारे घर आने वाले हैं। अच्छा, और ये नया हार? हाँ, ये उन्होंने कल ही भेंट दिया। अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। कितने का होगा? यही कुछ 1000-2000 का। 1000-2000? बाप रे, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती। बुद्धू, इतनी बड़ी रकम नहीं है। जब तेरी शादी होगी तो तेरा पति भी तुझे हार तोहफे में देगा। लीला हार का दाम सुनकर सोच में पड़ गई। लीला मीना के घर से निकली। रास्ते भर लीला उसी हार के बारे में सोच रही थी। क्या कभी मेरे पास भी मीना जैसा हार होगा? उसकी शादी तो एक अमीर व्यापारी से हुई है, जो उसे महंगे महंगे हार उपहार में दे सकता है। पर मेरा क्या, अगर मेरी शादी किसी गरीब से हुई तो? क्यों ना मैं ही खुद पैसे इकट्ठा करके वैसा हार लूं? लेकिन मेरे पास पैसे बचते ही कहाँ हैं? लीला ऐसा सोचते सोचते चल ही रही थी कि उसका ध्यान नदी के किनारे दूध में मिलावट कर रहे नत्थू दूध वाले पर गया। ये तो खुले आम मिलावट कर रहा है। इसके पास दो दो घर भी हैं। शायद मुझे भी इसी की तरह दूध में पानी मिलाकर बेचना चाहिए। इससे मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। ऐसा सोच लीला बहुत खुश थी। अगले दिन लीला ने रोज की तरह गायों से दूध इकट्ठा किया और फिर उसने उसमें आधा पानी मिलाया। लीला ये दूध लेकर गांव गई। उसने ये दूध गांव वालों को बेचा और अब उसके पास दुगने पैसे थे। अरे वाह, आज तो मैंने दुगने पैसे कमाए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्दी हार खरीद पाऊंगी। लीला फिर रोज दूध में पानी मिलाने लगी और बेचने लगी। वो बहुत खुश थी क्योंकि अब वो ज्यादा पैसे कमा रही थी। एक दिन की बात है, लीला नदी के तट पर बैठकर अपने कमाए हुए पैसे गिन रही थी। 201, 202, 203। अरे वाह, मेरे पास तो 200 से ज्यादा पैसे हैं, वो भी एक महीने में। इसका मतलब और 5 महीने में मैं वो हार खरीद पाऊंगी। लीला बहुत खुश थी। उसने नदी के किनारे आराम करने की सोची। जब लीला नदी के किनारे सो रही थी तभी वहाँ एक बंदर आया और उसने लीला की पैसे की पोटली उठा ली। लीला की आंख खुल गई। मेरे पैसे वापस दो। बंदर ने वो पोटली पानी में फेंक दी। फिर लीला फूट फूट कर रोने लगी। अरे मेरे पैसे, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। कोई मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। तभी वहां जल देवता प्रकट हुए। क्या हुआ लीला? मेरे पैसों की पोटली नदी में गिर गई। तुम्हारे पैसे? हाँ, मेरी मेहनत के पैसे। क्या तुमने सच में मेहनत की थी? वो मैंने उस हार के लिए
वो तुम्हारे मेहनत के पैसे नहीं थे, इसलिए वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। तुमने दूध में मिलावट करके दूसरों को ठग के वो पैसे कमाए थे, वो पाप की कमाई थी। मैं समझ गई देव, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कभी भी धोखेबाजी से पैसे नहीं कमाऊंगी। लीला को अपनी गलती समझ में आ गई और उससे ये भी सीख मिली कि लालच करके बेईमानी से कोई भी अच्छी चीज प्राप्त नहीं होती। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।